फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो टुडे आवर इन लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक्स डिस्क्राइबिंग मोशन। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाया था, किसके मोशन के समझाया था कि मोशन क्या होता है। तो आज इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि एक मोशन में और भी क्या चीज़ें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको टॉपिक पे भी दिख रहा होगा कि नाम ही है टॉपिक का डिस्क्राइबिंग मोशन। ओके, तो सिंस जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल पूछूं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का पोजीशन बतानी है तो आप क्या बताओगे उसका। यानी कि सिंस पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताना होता है। क्या बताना होता है उसका? लोकेशन बनाना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक समझाऊँ, अभी आपको लेकर आता हूँ एग्जांपल। तो सिंस जैसे आपसे कोई पूछे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके मम्मी या किसी पापा ने कहीं पर पूछ रखी है, तो आपसे पूछ रहे कि बताओ कहाँ पर रखी हुई है। तो जनरली आप बोलोगे कि उस कमरे में रखी हुई है। तो आप एक पोजीशन के लिए क्या बताया उसने आपको? लोकेशन दिया आपने कि हाँ वहाँ पे वो रखी हुई चीज़ है। या जैसे आपके अंकल कोई आते हैं और आपसे पूछते हैं कि बेटा आज आपका घर का हम विजिट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं आपका घर कहाँ पे है और कैसे है घर आपका। तो आपने कहा कि अंकल मेरा घर 5 किलोमीटर है। मेरा घर कितना है? 5 किलोमीटर है। तो अब अंकल पूछते हैं कि ठीक है 5 किलोमीटर है, वो तो अच्छी बात है, 5 किलोमीटर कहाँ से है भाई? क्योंकि भाई अगर आपको ये बताना होगा कि किसी को अपना घर का एड्रेस बताना है आपको, तो क्या करोगे आप कहाँ से हो? रेलवे स्टेशन से हो कि कोई फेमस मार्केट से हो कि एयरपोर्ट से हो कि कहाँ से है आपका घर? या जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि आप यहाँ से मान लो स्कूल आते हो, तो स्कूल आने के लिए आपका जो एड्रेस है आप आगे चल के कितना डिस्टेंस मेजर करते हो, कब आपको साइड चेंज करनी होती है, तो एक्सेट्रा आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सिर्फ उसी तरीके से कि अगर आपसे कोई पूछे कि कब का घर का विजिट बताना है, तो आपके लिए क्या इतना सफिशियंट रहेगा कि सिर्फ आप यहाँ से कह दो मेरा घर 5 किलोमीटर है? इतना तो सफिशियंट नहीं रहेगा भाई, 5 किलोमीटर कहाँ से है? तो जैसे मान लो आपने कहा कि 5 किलोमीटर मेरा घर एयरपोर्ट से है। कहाँ से है? एयरपोर्ट से मेरा घर 5 किलोमीटर। अब इतनी बात तो पता चल चुकी है कि एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर मेरा घर है। अब एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर क्या अभी सफिशियंट है बताने के लिए? क्या अभी भी ये सफिशियंट हो सकता है कि हाँ एयरपोर्ट से आपका 5 किलोमीटर ही घर होगा? नहीं हो सकता है ना। सिंस यानी आपको आपके घर का विजिट अगर करना है, आपको अंकल को बताना है, आपको अंकल को विजिट करवाना है अगर आपके अपने घर का, तो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर अभी भी सफिशियंट नहीं है बताने के लिए। अब एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर मतलब आपका रेलवे से होगा, या कोई मान लो कोई फेमस मार्केट होगा वहाँ से होगा, या कोई फेमस एरिया से होगा आपका, ठीक है? तो कहाँ से होगा? यानी कि आप हो सकता है कि 5 किलोमीटर आपको कहाँ जाना होगा कि रेलवे स्टेशन की तरफ जाना होगा, सोचो, ठीक है? या फिर 5 किलोमीटर आपको कहाँ आना होगा कि कोई फेमस मार्केट हो जैसे वहाँ पे आपको, ठीक है, FM में लिख दिया हूँ, फेमस मार्केट लिख दिया हूँ। या फिर 5 किलोमीटर आपका घर डायरेक्टली आपका जहाँ आपका घर है। तो तीनों में से इंपॉर्टेंट होगा ना भाई, एयरपोर्ट तो है, चलो ठीक, हम एयरपोर्ट उतर गए, एयरपोर्ट से डायरेक्टली हम 5 किलोमीटर कहाँ जाएं, पहले नियर रेलवे स्टेशन की तरफ है कि फेमस मार्केट से आपका घर है, तो शायद अभी भी सफिशियंट नहीं है। अब आपको ये भी बताना होगा कि मान लो कि फेमस मार्केट से मेरा घर नॉर्थ साइड या फिर साउथ या फिर वेस्ट या फिर ईस्ट में भी, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन बताना तो इम्पॉर्टेंट होगा। मान लो चलो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर आपके डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके फेमस मार्केट तक पहुंच चुके हैं। अब फेमस मार्केट तक पहुंच चुके हैं तो फेमस मार्केट से भी अभी सफिशियंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो मान लो कि आप कहें कि फेमस मार्केट से मेरा नॉर्थ में आप चाहोगे तो आपको मेरा घर मिल जाएगा। तो सिर्फ स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये था, यहाँ समझाने का मतलब मेरा ये था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे उसकी पोजीशन बतानी है, तो मुझे 2 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। एक होता है रेफरेंस पॉइंट और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर आपको उसकी पोजीशन बतानी है, तो हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले थे, कौन सा? पोजीशन।
क्योंकि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है मोशन का, तो आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पोजीशन, क्योंकि आपके टॉपिक में भी आने वाला है कि स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन में कैसे फिनोमिना है, कैसे डिस्क्राइब हम करते हैं। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे पहला जो टर्म्स हमारे पास होता है कौन सा होता है, पोजीशन होता है। जैसे कि आप पे एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको आपके अंकल को विजिट कराने अपने घर को, तो आपके पास सिर्फ सफिशियंट नहीं था कि 5 किलोमीटर से ही मेरा घर इनफ हो गया, मतलब कि पता चल गया कि 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर कहाँ से बोल रहे हो, 5 किलोमीटर हम कहाँ से बोल रहे थे, एयरपोर्ट से बोल रहे थे। सिंस जनरली स्टूडेंट्स उसी तरीके से हमें ये भी पता चला कि 5 किलोमीटर एयरपोर्ट से बट कहाँ पे है, कोई रेलवे स्टेशन होगा कि फेमस मार्केट होगा कि फिर एक्सेट्रा कि वहाँ से, चलो फेमस मार्केट भी पता चल गया, रेलवे स्टेशन से पता चल गया, फिर भी वहाँ से अभी भी सफिशियंट नहीं, क्योंकि आपको नॉर्थ जाओगे, साउथ जाओगे, वेस्ट जाओगे या फिर ईस्ट में जाओगे, तो किसी ने कहा कि नहीं नॉर्थ में जाना है। तो यानी कि सिंस कि किसी भी पोजीशन को बताने के लिए आपके पास दो बड़े पॉइंट होने चाहिए, एक पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट और सेकंड होता है आपका डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन, फर्स्ट होता है आपका रेफरेंस पॉइंट एंड सेकंड होता है आपका डायरेक्शन होता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे जाएगा कंसेप्ट, धीरे धीरे जाता है, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी अगर चली जाएगी तो भी आपके लिए नुकसान है, आराम से जाएगा लेकिन कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। सिंस स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ हुआ। देखो आपने शुरुआत जहाँ से की है, यानी कि एयरपोर्ट से आपने क्या किया था, शुरुआत किया था, नहीं आपका एयरपोर्ट वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका क्या बन जाता है, रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, ये रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। और डायरेक्शन आपका कहाँ से पता चला, जब आप एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर जब चलना स्टार्ट किया तो फेमस मार्केट में पहुंचे, फेमस मार्केट से आपका नॉर्थ साइड में आपका घर आया, यानी कि विजिट अपने जब स्टार्ट करना शुरू किया तो 5 किलोमीटर आपको नॉर्थ में जाना होगा, फ्रॉम नॉर्थ साइड से या फ्रॉम फेमस साइड, नॉर्थ साइड का आप बोल सकते हो। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए दो बड़े पॉइंट की जरूरत होती है, वो एक होता है पहला रेफरेंस पॉइंट और दूसरा होता है पोजीशन, सॉरी डायरेक्शन होता है। ये दो यानी कि आप लिख सकते हो इस तरह से, इसकी डिफिनेशन भी आप बता सकते हो, इसकी क्या बता सकते हो, आप डिफिनेशन भी लिख सकते हो कि रेफरेंस पॉइंट की डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं। यानी कि आपको इस चीज़ को पहले समझना होगा कि भाई क्यों अगर मैंने इस चीज़ को बताया, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि अगर जब आप मोशन को एक स्ट्रेट लाइन में अगर आप डिस्क्राइबिंग करोगे तब आपको वहाँ पर इसकी फिर से क्या मिलेगी, ज़रूरत पड़ेगी कि आपका मोशन क्या हो जाता है। ठीक है, तो सिंस आप अगर यहाँ पे बताना चाहते हो तो बता भी सकते हो कि मोशन क्या हो सकता है। जैसे रेफरेंस पॉइंट लिख सकते हो कि रेफरेंस पॉइंट इज द लोकेशन फ्रॉम द वेयर सब्सटेंस इज अ मेजर। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से आप पूरे ट्रैवलिंग का यानी कि पूरे डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हो, जहाँ से वो क्या कहलाता है आपका रेफरेंस पॉइंट। यहाँ रेफरेंस पॉइंट कहाँ से हुआ था, एयरपोर्ट से, तो हमने एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर मेरा घर आया, पहले फेमस मार्केट आया, फिर वहाँ से नॉर्थ साइड गया, तो टोटल डिस्टेंस मेजर हमने कहाँ से किया है, एक रेफरेंस पॉइंट से किया है, तो एयरपोर्ट हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया। और डायरेक्शन कहां से, जब फेमस मार्केट से हम नॉर्थ साइड जाने लगे तो हमें क्या मिलता है, वहां पे डायरेक्शन मिलता है। तो सिंस स्टूडेंट्स, तो आज हमने यहां पे ये समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन अगर बतानी है तो उसके लिए दो बड़े पॉइंट होने चाहिए, एक तो रेफरेंस पॉइंट और दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। आई होप आपको ये कांसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो नाउ इन सबको थोड़ा मैं हटाता हूं और आपको फिर आगे ये बताता हूँ, पॉइंट में आता है कि आपको आपकी जो टॉपिक आती है कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कैसे होती है। कि जैसे इससे पहले मैंने आपको अभी यही समझाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे पोजीशन बतानी है तो आपको समझ में आ चुका है कि कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, दो चीज़ें चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए आपको डायरेक्शन चाहिए। या एक और इससे एक और एग्जांपल में बता दूं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई डाउट ही ना आए। जैसे मान लो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो ले लेता हूँ, हाँ, जैसे मान लो कि एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक पूरी तरह से ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है, और मान लो ये आपका पिच, यहाँ पे आपको पता होगा, आपने खेला होगा क्रिकेट, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई खिलाड़ी यानी कोई एक प्लेयर यहाँ पे खड़ा है, और उस प्लेयर का नाम आप जो भी अपना जो भी आप जिस खिलाड़ी को आप जो आपके आपका फेमस होगा या जो भी आपको चाहते हो जिस खिलाड़ी को, कोई कोई एम एस धोनी को चाह रहा है, कोई रोहित शर्मा को चाहता है, कोई विराट कोहली को चाहता है, हालांकि इस समय विराट कोहली फेमस, अच्छा तो विराट कोहली को रख लो,
ठीक है, विराट कोहली यहाँ पे क्या कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है। अब बताओ कि विराट कोहली की पोजीशन क्या होगी, मान लो आपसे कोई पूछा कि विराट कोहली की पोजीशन क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हो कि विराट कोहली की पोजीशन बताने के लिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए आपके पास? तो आपके पास मैंने वही कहा कि दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, एक तो आपके रेफरेंस पॉइंट और एक आपके क्या होने चाहिए, डायरेक्शन। अब पूछेगा कि कोई तुमसे कि विराट कोहली कहाँ पे है, वेयर आर विराट कोहली, आप बोल सकते हो कि विराट कोहली कहाँ पे है इस पूरे क्रीज के अंदर, विराट कोहली इस क्रीज के, यानी ये बैटिंग क्रीज होती है ना, आगे बैटिंग क्रीज होती है और ये कौन सी होती है आपकी बॉलिंग क्रीज होती है, कि बैटिंग क्रीज से कहाँ है, कि बॉलिंग क्रीज से है, कि यहाँ आप जो पवेलियन में बैठे हुए होते हैं कि वहाँ से है, ठीक है, यानी इस साइड जो पवेलियन होते हैं ना पूरा इस साइड, तो यहाँ से है, तो आपको ये बताना होगा। तो अगर आपने कह दिया नहीं वो बैटिंग क्रीज से खड़ा हुआ है, बैटिंग क्रीज के बगल में ही खड़ा हुआ है, तो क्या अभी भी ये सफिशियंट है, बैटिंग क्रीज के बगल में ही खड़ा हुआ है तो क्या ये सफिशियंट होगा, नहीं होगा ना। अभी बैटिंग क्रीज से कहाँ पे होगा, तो अब आप कहोगे कि बैटिंग क्रीज के इस डायरेक्शन में क्या हुआ है, खड़ा हुआ है, और वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक। तो सिंस स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे उसकी पोजीशन बतानी है तो मुझे उसको क्या बताना पड़ेगा, उसका लोकेशन बताना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट और एक हमें चाहिए डायरेक्शन। आई होप आपको ये कंसेप्ट अब तो और भी क्लियर हो चुका होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, इन अवर टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन में अब पोजीशन कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं और एक लेता हूं यहां पे, किसी स्टूडेंट्स मैंने क्या लिया यहां पे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको दिखाते हैं अभी, कि मान के चलो कि यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, ये एक स्ट्रेट रोड है एकदम से, ठीक है, आपने देखा होगा आप चलते होगे, और यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, कोई एक पर्सन है वो चल रहा है, और जब बताओ जब ये स्ट्रेट रोड होगा जो भी वहाँ पे पर्सन होगा वो किस में चलेगा, किस में मोशन करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन तो करेगा, सिंपली बात है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अगर मैं मेरे सामने पूरी जो रोड है वो एक स्ट्रेट रोड है, एक सीधी ही रोड है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं स्ट्रेट रोड में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा पोजीशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की होगी। मान लो स्टूडेंट्स, वो जो भी पर्सन वो यहाँ से यहाँ आता है, फिर वो यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, मतलब एक स्ट्रेट रोड में अगर वो मोशन कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब आपको ये पूछना होगा या आपको ये समझना होगा कि अब ये मोशन कहाँ से हो रहा है। तो बेटा अगर किसी स्टेट लाइन यानी स्टेट रोड पर अगर हमें उसकी पोजीशन बतानी है तो हमें सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझना होगा, उसके कुछ टर्म्स को समझना होगा। जैसे उसमें सबसे पहला टर्म्स आता है नंबर लाइन, आपने शायद मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी हम यहाँ समझा देंगे कि किसी भी अगर स्टेट लाइन अगर है तो उस पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर, तो आप किससे किसके माध्यम से करोगे, नंबर लाइन से करोगे। तो आई होप कि आप नंबर लाइन को समझ चुके होंगे कि अगर मुझे यहाँ से तो सिंस मतलब आपको अगर किसी भी अगर कोई पर्सन अगर स्टेट रोड पे चल रहा है और उसकी आपको पोजीशन बतानी, तो आप डेफिनेटली वही बोलोगे कि वह स्टेट लाइन में ही क्या कर रहा है, पोजीशन उस स्टेट लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अगर आपको अब यहाँ से बतानी होगी कि इसकी पोजीशन क्या है, मान लो वो पर्सन अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वो यहाँ से कुछ यहाँ पर कि मान लो 1 मीटर के डिस्टेंस को क्या कर लेता है, वो मेजर करता है, फिर यहाँ से वो 2 मीटर के डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, फिर यहाँ से वो 3 मीटर को डिस्टेंस कर रहा है, यानी कि ये 1, ये 2 और यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको यहां भी बताना होगा कि इसकी पोजीशन कैसे बताओगे आप, कि वो कहां से कर रहा है, यानी वो ट्रैवलिंग कहां से कर रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया कि आपको कि अगर किसी भी पोजीशन को अगर बताना है तो उसका लोकेशन बताना पड़ेगा, उसका मतलब उसको मैं आपको रेफरेंस पॉइंट बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स आप नंबर लाइन में आप इनमें में से अगर आप यहां लाइन बना रहे हो, जैसे मान लो 0 से स्टार्ट कर लो, फिर 1 2 3 4 5 6 8 आपने बनाया होगा मैथ पे पढ़ा होगा, तो स्टूडेंट्स आप क्या करो कि आप यहां से किसी भी स्टेट लाइन में किसी भी पोजीशन से आप क्या कर लो, आप कोई भी नंबर से स्टार्ट आप चॉइस कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप यहां से स्टार्ट करना स्टार्ट करिए, यानी आपने यहां पे 0 लगा दिया, अब ये 0 के बाद इधर आप क्या आ गए, 1, फिर आपका 2, फिर आपका ये 3 हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या किया, अपने से ही किसी भी एक पॉइंट को क्या कर लिया, चॉइस कर लिया, चूज कर लिया कि हम यहां से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो अब बताओ आपने यहां से स्टार्ट करना शुरू कर दिया है,
ठीक है। तो सिंस स्टूडेंट्स, अब आप स्टार्ट यहां से किधर जा रहे हो, आप इस तरफ जा रहे होगे, यानी कि आप इस तरह से ट्रैवलिंग करोगे, तो आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। यस सिंस स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बोला कि इसी को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे, यानी पोजिशन अगर मुझे बतानी है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे क्या बताना पड़ेगा, उसका एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, कहां से शुरुआत हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जब वो पर्सन अगर वो ट्रैवलिंग करेगा स्टेट लाइन, स्टेट रोड में, और तो स्टेट पोजीशन में अगर वो मोशन पे कर रहा है, इसका मतलब वो स्टार्ट कहां से करेगा, मान लो किसी एक पॉइंट, वो कहां से, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, और वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। और अगर मैं उसको पूछूं उसकी पहली पोजीशन कहां से है, तो आप यही कहोगे कि वो 1 मीटर कहां से आया, ओरिजिन पॉइंट से, यानी कि रेफरेंस पॉइंट आया। मान लो मैंने उसका पूछा कि पोजीशन उसका दूसरा क्या होगा, तो आप यही बोलोगे कि कहां से, कि 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, यानी कि आप बोलोगे रेफरेंस पॉइंट से आया। तो सिंस स्टूडेंट्स, आपको होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर मुझे किसी भी स्टेट लाइन का मोशन, अगर मुझे कोई, अगर वहां पे कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अगर ट्रैवलिंग कर रहा है, तो वहां पे उसको अगर बताना है, तो मुझे भी वहां पे क्या बताना पड़ेगा, वो एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, और वो भी डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप देखो कि हमने यहां पे जो चॉइस किया है, ये वाला, ठीक है, आप देख रहे हो यहां पे हमने जो चॉइस किया, जीरो वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, तो हम किधर गए थे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पर गए थे, सॉरी राइट हैंड साइड पर गए, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा इस तरफ होता है। तो आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन की इस तरफ जाते हैं, इस तरफ हम जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, अगर इस तरफ जाते हो तो हमें क्या मिलेगा, -1, फिर यहाँ पे क्या आएगा, -2, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे कोई तुमसे पूछे कि अगर आपको रेफरेंस पॉइंट बतानी है, यानी आपको पोजीशन बतानी है, और आपको लिखा है कि राइट साइड, तो आप कितना मीटर बताओगे, राइट साइड जानोगे तो नहीं, आप लिखे कोई वन वन पोजिशन है कि 1 मीटर की दूरी पर बताओगे फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से, और अभी कहाँ पे, राइट साइड की तरफ बताओगे। सिर्फ स्टूडेंट, अगर वही स्टूडेंट आपसे पूछे कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या लिखोगे आप, -1। हालांकि ये एडवांस के लिए हो जाएगा आपके लिए, जब आप न्यूमेरिकल जब करने लगते हो, तो यहाँ पे उसका बहुत ही ज़्यादा इसका यूजेस होता है स्टूडेंट्स, ये आप समझ लो, क्योंकि ये NCERT में आंसर नहीं है, आपको मैं अपने से बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू आपको रखने में आपको समस्या ना आए, उसके नंबर रखने में आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए कह रहे हैं। और आप ये समझते हो कि राइट हम जाएंगे तो, मतलब किसी भी एक नंबर को चॉइस करो, उसके राइट हैंड साइड चाहोगे तो वहाँ पे +1, +2, +3 होता जाएगा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1, -2, -3 मिलेगा, और वो जीरो जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वो रेफरेंस पॉइंट, और साइड डायरेक्शन भी आपको पता चल गया, आपको राइट लेफ्ट। अगर मान लो कोई स्टूडेंट सबसे पूछे वो रेस्ट है, मतलब वो पर्सन रेस्ट है उसी पॉइंट पे ही, उसी पॉइंट उसका पोजीशन क्या बताओगे आप, तब बोलोगे उसकी पोजीशन जीरो है, मतलब कि वो क्यों जीरो है, क्योंकि वो ओरिजिन पे रेफरेंस पॉइंट पे ही, अभी वो कहीं गया ही नहीं, ना लेफ्ट गया ना राइट गया है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। और इसके बाद इसका आपके NCERT में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कि एक रेफरेंस पॉइंट दे रखा है, यानी कि यहाँ पे देखो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ, कहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं लाइन कर रहा हूँ कि यहाँ से कर रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है, देख रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है जनरली फ्रॉम, यहाँ पे एक कोई मान लो पोजिशन लिखा है, देखो ये O से लेकर कहाँ तक है, ये A तक है, ठीक है। अब ये O से लेकर A का पूरा एक स्टेट रोड है मान लो, या एकदम पूरा स्टेट लाइन है, आप ऐसे समझ लो इसको, और इसको स्टेट लाइन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, बताया था अभी मैंने, किससे करोगे, नंबर लाइन से करोगे। तो सिंस स्टूडेंट्स, ये O जो है यहाँ से, और ये आपका लास्ट वाला पॉइंट है, अब यहाँ O आपका क्या बन जाएगा, रेफरेंस पॉइंट बनेगा। अब रेफरेंस पॉइंट से आप इस तरफ से डायरेक्शन पे जा रहे हो, यानी कि सिंस आप राइट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दियो, मान लो कि आप सी तक आते हो, तो आपकी डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हो गई, 25 हो गई, और फिर आप सी से फिर राइट साइड की तरफ और भी आगे जा रहे हो, तो आप जब जा रहे हो स्टेट रोड पे, तो आपका मोशन किस तरह से होगा, स्टेट लाइन ही होगा, ठीक है। तो सिंस स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक आ रहे हो, तो 25 में से 35 डिस्टेंस और भी कवर आपने किया, और फिर ये बी से आप कहाँ आ रहे हो, पूरा ए तक आ रहे हो, यानी यहाँ से लेकर, यानी कि टोटल अगर पूछा जाए ओ से लेकर ए की डिस्टेंस क्या होगी, आप कहोगे कि पूरा आप ओ के ए के बीच दोनों डिस्टेंस को आप इक्वल कर लो, यानी कि सम कर लो, सम ऑफ सी ओ सी प्लस आप क्या कर लो सी बी, और प्लस क्या कर लो आप ओ ए कर लो, तो वहाँ पे वही लिखा है कि लेट ए एंड बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंस पर, यानी जो आपका ए बी और सी जो दे रखा है, वो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजिशन बता रही है अलग अलग इंस्टेंट पर, और उसमें से एट द फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी रिचेस ए, और जब आप ए तक पहुंचना है, तो आपको पहले मूव करना पड़ेगा किससे, थ्रू सी और बी से होना पड़ेगा।
देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीच सी थ्रू बी. अगर आपको ए से वापस अगर आना है तो ऐसा नहीं कि आप यहां से घूमते फिरते टहरते हुए आओगे, नो, क्योंकि आपको उसी स्टेट लाइन में फिर से वापस आना है. वो स्टेट रोड है तो आपको क्या करना है, वापस फिर इसी तरह से आना होगा. स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी ये बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई स्टेट रोड पे अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या स्टेट लाइन में अगर हम मोशन है तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट से उस रिचेस्ट यानी लास्ट वाले पॉइंट अगर हम पहुंच रहे हैं फिर अगर हमें लास्ट वाले पॉइंट से वापस रेफरेंस पॉइंट पर आना तो उसी पास से क्या होना होगा, हमें वापस आना पड़ेगा. तो वही यहाँ पर चीज़ लिखा है कि अगर हम मूव करते हैं बैक तो अलोंग द सेम पाथ उसी पास से ही रिचेस सी थ्रू बी, यानी कि सी और बी से पहुंचते हुए हम कहाँ पे आएंगे, ओ यानी कि रेफरेंस पॉइंट पे आएंगे. तो नाउ स्टूडेंट्स यानी यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस पूरी ट्रैवलिंग बतानी है तो आपको देखो यहाँ पे अगर कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो जीरो होगा और अगर डिस्टेंस पूरा कवर कर रहा है जनरी कहाँ से लेकर ओ ए और प्लस क्या होता है आपका ए ओ, यानी ओ ए यानी यहाँ तक और ए ओ यानी टोटल यहाँ तक, यानी आप 60 किलोमीटर आप जा रहे हो स्टेट लाइन पर और फिर वहीं से वापस आ रहे हो रेफरेंस पॉइंट पर 60 और आओगे तो कितना टोटल डिस्टेंस आपने मेजर किया, 120 किया. तो स्टूडेंट्स अगर मुझे किसी भी पोजीशन अगर मुझे बतानी है तो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट. आपको पता चल गया जीरो आपका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट. और डायरेक्शन भी हमें पता चल गया कि हमें सी की तरफ जाना है तो सी राइट साइड है, फिर सी से बी की तरफ वो भी राइट साइड है, बी से फिर ए वो भी राइट साइड है. तो सी स्टूडेंट चाहे वो मोशन, हालांकि अभी हम स्टेट लाइन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम सर्कुलर मोशन की भी क्या करेंगे, बातें करेंगे. तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा. मैंने पूरी तरह से आपको रीड करके नहीं बताया, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया कि इसमें क्या हो रहा है. अब आप इसको पूरी एनसीईआरटी को आप जब रीड करोगे तो आपको सारे यही पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं. अच्छा, इसी के अंदर कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना अगर आपको आगे की स्टडी करनी है, मतलब आगे के टॉपिक को भी और पढ़ना है तो आपको वो पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए. वो दो पॉइंट क्या होते हैं, पहले उस पॉइंट को समझाने से पहले मैं उस पॉइंट को बारे में बता देता हूँ क्या होता है. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे फिर से एक और कि पोजीशन ले लेता हूँ एक, ठीक है, मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ खाली, फिर मैं लिखता हूँ फोर्स, ठीक है. चलो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है कि मान लो एक यहाँ पे कोई डोर है और यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है. अब इस पर्सन ने इस डोर की तरफ क्या किया है, फोर्स लगाया तो डोर क्या हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा. और मान लो इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है पुल, लिखा है क्या, लिखा है पुल. पुल का मतलब क्या होगा कि मतलब आगे की तरफ थोड़ा खींचो और फिर उसको क्या करो कि पुल करो. अगर यहाँ पुल नहीं लिखा होता तो वो शायद फोर्स उसी डायरेक्शन में डालता जिस डायरेक्शन उसको जाना है. और यहाँ पुल लिखने की वजह से क्या करेगा, थोड़ा आगे खींचना है, उसके बाद तब क्या होगा. अगर आप पुल लिखा है और अगर आप यहाँ से अपनी डायरेक्शन से आप उसको अगर फोर्स दे रहे हो तो कभी नहीं खुलेगा बेटा, कभी भी नहीं खुलेगा बेटा, ये समझ लीजिए, आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कभी नहीं खुलेगा. जैसे आप मान लो किसी इंसान को, जैसे बॉक्सिंग में आपने देखा होगा, ठीक है, तो कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या मारता है, पंचिंग मारता है. तो पंचिंग मारता है मतलब वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. या अगर आप फुटबॉल मैच खेल रहे हो तो अगर आपने क्या किया, अपने की से यानी अपने पैर से आपने क्या किया है, उस फुटबॉल को अपने थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी कर रहे हो क्या, वहाँ पे भी क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो. या किसी को मार भी रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि मतलब कि डायरेक्शन नहीं बता सकते हो. अगर कोई आपको पूछे टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन तो आपके लिए बेवकूफ़ी कहेगी कि आप डायरेक्शन उसके लिए नहीं बता सकते हो. हाँ, टेम्परेचर में आपको ये कह सकते हो कि अगर थोड़ा सा हॉट आपको लिख रहा है कि यहाँ बहुत गर्मी है तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर थोड़ा अप गया है, यानी कि इंक्रीज हुआ है. और अगर आपको थोड़ा सा विंटर जैसा मौसम फीलिंग हो रहा है, ठीक है, ठंडी जैसी लग रही है, तो सिंस स्टूडेंट्स आप कहोगे कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, ठीक है. दूसरा एक और एग्जांपल इसे लेते हैं, मास. अब मास में क्या आपको डायरेक्शन पता चलेगी कि मान लो एक बोरी पूरी भरी हुई है, मान लो यहाँ एक पूरी बोरी भरी हुई है, इसमें कुछ अनाज वगैरह कुछ भरे हैं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें 50 किलो क्या है इसकी मास है, 50 केजी इसकी क्या है मास है. लेकिन 50 केजी मास क्या डायरेक्शन बता सकते हो, उसमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत तो नहीं होगी ना उसमें कि कहाँ 50 किसी कहाँ पे है, वो ऐसा कुछ नहीं बता सकते. सिर्फ ये कह सकते हो कि हाँ 50 केजी वहाँ पे मास है. तो सिंस स्टूडेंट्स मेरा कहने का एग्जांपल, मेरा समझाने का मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ जो क्वांटिटी होती है, ऐसी जो क्वांटिटी होती है जिसको कुछ डायरेक्शन की जरूरत पड़े और कुछ ऐसी क्वांटिटी हो रही है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. जैसे सिंस स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ पे जो मैंने अभी बताया डोर पे, ठीक है, ये डोर जो मैंने बताया, अगर इस पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अगर इस पर्सन को आपको फोर्स लगाना हो रहा है, ठीक है, यानी आप फोर्स
फोर्स लगाओगे, अगर यहाँ पे पुल लिखा है इसका मतलब थोड़ा आगे की तरफ खींचेगा तब ये दरवाजा क्या होगा आपका खुलेगा। और अगर सिंस स्टूडेंट यहाँ पुल नहीं लिखा होता तो ये पर्सन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसी डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, क्या टेम्परेचर में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स? आप सोचो कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है कौन से डायरेक्शन में, ऐसा तो कोई कह नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो ना, तो बेवकूफ़ी होगी, मैंने अभी आपको बोला। और इस तरह से मास में भी आप नहीं बोल सकते हो कि कितना डायरेक्शन देना पड़ेगा, मास में 50 kg किस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है यानी कि जो डायरेक्शन से एसोसिएट होता है उसको हम बोलते हैं वैक्टर क्वान्टिटीज, और जिस ऑब्जेक्ट में जिसमें डायरेक्शन का कोई एसोसिएट नहीं होता यानी कि उसमें कोई जरूरत नहीं होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स? हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, कि मतलब कि कुछ हमारे पास ऐसी भी क्वांटिटी होती हैं कि जो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और जिसमें कुछ ऐसे होते हैं क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंस स्टूडेंट्स आपको आगे की वही आएगी, मैंने अभी बताया कि वेक्टर जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मास जैसे आपका फोर्स हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप देख लीजिएगा मिल जाएगा आपको। सिंस स्टूडेंट्स जैसे टेम्परेचर और मास में क्या हुआ, ऐसे पोजिशन, पोजिशन को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी। अब पोजिशन बताना है आपको किधर जाना है, आपको 10 किलोमीटर चलना है किस तरफ, लेफ्ट नॉर्थ राइट, मतलब आप कहीं भी डायरेक्शन आप बता सकते हो। फोर्स में भी आप बता सकते हो, जैसे फोर्स का एक और एग्जाम्पल दो कि मान लो यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग है ठीक है, और आपका एक कोई फ्रेंड है ठीक है यहाँ पे खड़ा है इस बिल्डिंग के, उसका मान लो ब्रेकअप हो जाता है, उसकी आत्मा टूट जाती है, उसका दिल टूट जाता है ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब आपके पास दो ऑप्शन होगा, इसको बचा भी सकते हो और इसको गिरा भी सकते हो। अगर आपने यहाँ से आए, आप इधर से आ रहे हो और इस पर्सन को आपको बचाना है, अपने फ्रेंड को बचाना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको अपनी तरफ खींचो, यानी एक डायरेक्शन तो आ रहा है, फोर्स लगाना है आपको, सुनो आपको फोर्स लगाना है, यानी बात ध्यान से समझना है, आपको फोर्स तो लगाना ही है। अब फोर्स आपको किस तरफ लगाना है, उसको बचाना है कि उसको मारना है? अगर आपने जिस डायरेक्शन से आप आ रहे हो उसी डायरेक्शन से अगर आप उसको पकड़ने जा रहे हो तो शायद गिर जाएगा, वो तो गिर जाएगा सीधा। लेकिन अगर आप आए और उसको अपनी तरफ खींच रहे हो यानी वहां पे आपको एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई। सिंस स्टूडेंट्स द फोर्स में तो आपको क्लियर कर लिया, क्लियर समझ में आ ही रहा होगा कि उसमें फोर्स के साथ साथ यानी कि आपको डायरेक्शन की भी क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर आज इंक्रीज हो गया है तो क्या उसमें आप डायरेक्शन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। तो सिंस स्टूडेंट्स आपको शायद आई होप कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट या ऐसे कोई क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ आपको मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है वो आपकी वेक्टर, और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, मैग्नीट्यूड ही सिर्फ होता है, वो हमारी कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। तो सिंस स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और आज के वीडियो में सिर्फ हम आपको सिर्फ यहीं तक ही समझा रहे हैं कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा, जैसे पोजीशन पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा, रेफरेंस पॉइंट पढ़ा क्या होता है, फिर हमने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को भी डिस्कस किया। आगे हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आने वाले हैं, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो बनेगा उसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आऊँगा जो कि आपके इससे रिलेटेड भी आएंगे, उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ग्राफ से भी। ओके थैंक यू।